हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको ये स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप गीता का ज्ञान यानी ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मनुष्य सब कुछ खोकर शांत और एकाग्र रहे वो जीत है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। मन की बेचैनी का चयन की प्रति खिंचाव ही प्रेम है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। प्रेम अगर करुणा बन के आंखों से ना बहे तो समझो वो प्रेम अंतर मन से उतरा ही नहीं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध तो दो क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निरंतर अनदेखा कर दिया जाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लोग बिना बात का ध्यान देंगे साथ नहीं। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं। सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरा वक्त तक भी कभी समय के परिवर्तन। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जहां अपना वश नहीं है वहां मोह करना ही दुःहक है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्निस्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है
जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है, जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। दो बातों से बचकर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अहम, सबको मेरी जरूरत है, वहम। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए, उसे बोलकर अपना दुःख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने, अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही करने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है ये पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना दोस्तों, इससे अच्छा अच्छा भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश इसी YouTube चैनल पर ही मिलेगा। हिंदी में वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको आने के लिए धन्यवाद।